कोटा ग्राम पड़ोरी में है, मैं बजरंगपुर डेरा का रहने वाला हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है कोटा राशन हाँ, तो लेने। जब गए तो क्या किया? राशन लेने हम जो दो तारीख से राशन बांट रहा है, दो तारीख को गए तो नहीं दिया, तीन को गए तो नहीं दिया, कह रहे हैं 5 को देंगे, 5 को गए तो वापस कर दिया, कह रहा अभी 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद फिर हम मंगलवार को बुलाए तो मंगलवार को गए, 9 तारीख थी उस दिन, मंगलवार को गए तो कह दिए राशन ख़त्म है, यहाँ कुछ नहीं, जाओ SDM साहब से ले लो जाके। हम लोगों से बकवासी बदतमीजी से पेश आए ये लोग औरतों के साथ, और जब बदतमीजी से पेश आए तो हम लोग सीधे SDM साहब के यहाँ चले आए। 9 तारीख को ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में अपन SDM साहब ने जो भी बोला हो, अब हम नहीं जान सकते क्या बोला गया फिर उनको। क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद फिर आ जाना दे देंगे, यानी 10 या 11 तारीख को। हम लोग गए तो फिर गल्ला नहीं दिया, फिर बोला कि गल्ला ही ख़त्म है। और फिर हमने फ़ोन लगा के पता किया कि साहब कोटेदार साहब आज आ जाएं, तो बोला कि आज ना आ जाओ, अब तुम्हारा गल्ला ही ख़त्म हो गया, कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने कहा ठीक है ख़त्म हो गया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गए। फिर मेरे खिलाफ़ जाके पुलिस चौकी में अप्लीकेशन दे आए कि ये और कुछ औरतों के साथ आया, मेरा कोटे का 10 कुंटल गल्ला भरा के ले गए। तो 2 दिन बाद पुलिस वाले मेरे घर आए, मैं मिला नहीं वहाँ पास पे। जब घर आए तो घर में औरतों से पूछा, बताया गया कि तो क्या हुआ पुलिस, जब पुलिस चौकी गए तो क्या हाँ बोले? पुलिस चौकी गए तो पुलिस चौकी में उस कोटेदार को भी बुलाया गया, कोटेदार को बुलाया गया, फिर उनसे पूछा गया, तो कोटेदार जो खुद कोटेदारी ननकी देवी, तो बोली कि साहब वो घर में के लोग बता रहे थे, मैं थी नहीं मौके पे। पुलिस वालों ने उनको डांटा कि इस तरह से क्यों झूठा अप्लीकेशन आप दे रहे हैं।